लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल तलमी अड्डा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कौन सा सेंटर? ये सेंटर। ओके बता दो यार, बहुत लाइट है। ओके ऑफ कैमरा, ऑल कैमरा। ओके वो क्यों सुनाई नहीं दिया? क्या कहना चाहेंगे आप मूवी के बारे में? कितने एक्साइटेड हैं आप भी, कह रहे हो ना? यार ये मेरी पहली मूवी है और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इससे। एंड मतलब इतना एक्साइटेड कि मुझे समझ में आ रहा है कि मैं बोलूँ भी तो क्या बोलूँ। बट यार इट्स आई फील लाइक अ ब्लेसिंग। आई एम रियली रियली एक्साइटेड एंड आई एम सराउंडेड विद सो मेनी ग्रेट 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 पीपल। माई फ्रेंड्स हू बीन देयर विद मी सिंस द स्टार्ट एंड आर स्टिल स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू मी, सो इट फील्स ग्रेट। इट्स जस्ट अमेजिंग। I'm here to support my friend Vicky Arora. He's one of the most, I keep saying this, one of the most dedicated person I've known, you know, dedicated human being and an actor and very, very passionate about his work. And his first film, Khajoor Pe Atke, releasing on 18th May. So we are here to support him and very, very excited. I know he deserves the world. Thank you. Aap kuch kehna chahiye? बहुत इमोशनल हूँ। विक्की की पहली पिक्चर मेरी मेरी मूवी है, डोंट वरी। आई एम सो इमोशनल। ओके आई रियली हैव टू से दिस, ये पेंडोरा है, एकदम टैलेंट का पेंडोरा बॉक्स है। एक्शन डांस, यस एक्शन डांस इमोशन रोमांस। आई जस्ट हैव टू से कि जितने भी हीरो हैं सबकी छुट्टी होने वाली है बिकॉज विक्की अरोरा हैज अराइव्ड। Vicky Arora has arrived guys and sir, this is his first film. Sare seniors se meri request hai, please bura na mane. Sabki chutti hone wali hai, I'm telling you right now. And he's gonna rock and I'm really really very happy because yay, this is his first film. I'm so happy, Vicky. So happy for him. सर आप सेंटर में आ जाइए। मेरा लाइव प्रोफाइल अच्छा उनको मालूम है। Let's go. Hi guys. क्या हाल है? Okay. हाँ जी। तो सर खजूर पे अटके आज उसकी स्क्रीनिंग है, क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं विक्की के लिए यहाँ पर आया हूँ। विक्की मेरे को 15 साल हो गए हैं यहाँ पर, और अगर कोई मुझसे पूछे कि सबसे मेहनती लोगों के नाम लो, पहले पाँच में विक्की का नाम ज़रूर आएगा। एंड ही इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल। ऑफकोर्स साथ में टैलेंटेड भी है, वो तो सबको पता है। एंड जो फिल्म का जब मैंने ट्रेलर देखा तो मैंने कहा यार ये फिल्म देखने को मिल जाए मुझे तो मज़ा आए। और विक्की का फ़ोन आ गया था कि आप आओगे उस पर, तो आई वॉज ऑलरेडी वेटिंग। अगर फ़ोन नहीं आता तो मैं काफ़ी गुस्सा होता बिकॉज द ट्रेलर इज़ फनी, ऑल द एक्टर्स इन दिस फिल्म। जब भी मैं वो ट्रेलर देखता हूँ तो सबका एक अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टर है, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जितने भी लोग देख रहे होंगे ना, उनकी फैमिली में उनके लाइफ में कोई ना कोई ऐसे चाचा मामा ताया कजन्स वजन्स होंगे जो सब सही है। स्टोरी है नॉट कहीं ना कहीं रिलेटेबल है ही है, फैमिली में होता ही ऐसा कोई ना कोई। और जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स दिखाई है ना कि ट्रेन की टिकट, अच्छा टिकट बदलवानी पड़ेगी एंड ऑल, ये सब चीज़ें सबकी फैमिली में होती रहती है।
सो दैट इज गुड बट यू नो वी आर वेरी हैप्पी कि हमारा जो लड़का है उसकी फर्स्ट आलोक हमारा खजूर हमारे ग्रुप में ये जोक चल रहा है कि हमारा खजूर है एंड आई जस्ट वांट टू विश द होल टीम बेस्ट ऑफ लक एंड आई वांट टू विश विक्की इसकी फर्स्ट फिल्म है ब्रदर बेस्ट ऑफ लक मेनी मोर टू कम एंड आई होप इट्स अ ह्यूज सक्सेस अभी हम देखने वाले हैं इसके बाद अगर कोई फिल्म के बारे में जो कुछ पूछेगा तो मैं उसके बारे में बता पाऊंगा बट सो फार बहुत फनी लग रही है एंड काफ़ी दिग्गज एक्टर्स हैं उसके बीच में हमारे भाई ने कुछ काम किया है अगर मैं इसके बारे में बाद में कुछ नहीं बोलूंगा मतलब इसे काम ठीक नहीं है ये टाइटल के बारे में क्या कहेंगे बहुत फनी टाइटल है जैसे बचपन में वो ना बहुत सारी ऐसे कहावतें होती थी कि आसमान से गिरे खजूर लटके कि एक प्रॉब्लम अभी सॉल्व हुई थी कि दूसरी शुरू हो गई प्रॉब्लम नाम से ही पता लग जाता है कि इसमें जो फैमिली के जो प्रॉब्लम जो बढ़ते ही चले जाएंगे एंड वही मैं देखना चाहता हूँ कितना मजा आएगा फिल्म देखने में थैंक यू गाइस बोला